भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत ने यह मैच 90 रनों से अपना किया और सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दे न्यूजीलैंड की टीम को। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने 386 का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में कीवी टीम ने 295 रन ही बना पाए। दोस्तों भारत ने न्यूजीलैंड को 90 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में कीवी टीम का सुपड़ा साफ कर दिया है। युजवेंद्र चहल की एक गेंद पर विराट कोहली ने सेंटनर का कैच पकड़ कर न्यूजीलैंड की पारी समाप्ति कर दी। वहीं पर सेंटनर ने 29 गेंदों में 34 रन ही बनाए थे। इस मैच की जीत के साथ भारतीय टीम वनडे में दुनिया की नंबर एक टीम बन गई है। जी हाँ दोस्तों, अब भारत और न्यूजीलैंड की टीम तीन T20 मैच का सीरीज खेलने वाली है। 27 जनवरी से शुरू होगा दोस्तों ये T20 सीरीज का मैच। दोस्तों रोहित शर्मा ने इस वनडे मैच में शुभमन गिल ने शतकीय पारी खेली, जहां हार्दिक पांड्या ने अर्धशतक भी लगाया। इसके जवाब में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने शतकीय पारी खेली, लेकिन उन्हें किसी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला। हेनरी निकोल्स और सेंटनर ने कोशिश की, लेकिन दोनों अर्धशतक भी नहीं लगा पाए। और दोस्तों अंत में भारत ने ये मैच 90 रनों से जीत लिया है। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यही तक था, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।